हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर द लिटिल बुली। वंस अपन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। एक समय की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हरी। ऑल्दो ही वॉजन्ट वेरी बिग, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो वो बच्चा था वो भले ही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उसको बड़ा मज़ा आता था सारे लड़के और लड़कियों को चिढ़ाने में। टीस का मतलब होता है चिढ़ाना, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे लड़की और लड़के, उनको वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करता था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट इज टू पिंच, और उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो था पिंच करना। पिंच को मतलब बोलते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया चूटी काटना बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिंच करना। ही कुड मेक अ बिग ब्रूस अपियर इन हाफ अ सेकेंड। ब्रूस का मतलब कोई जिस चोट लग जाती है, कोई स्किन ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसको ब्रूस बोलते हैं। और वो इतनी तेज़ से पिंच करता था कि ऊपर के ब्रूस उठ के आ जाते थे। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, और वो क्या करता था, लोगों को पिन भी चुभाता था, जो नुकीली पिन्स होती हैं वो भी चुभाता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि बाकी सारे बच्चे उसको उससे कितनी नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिकिंग हिम बैक, वो उसको वापस पिक करने की कोशिश करते थे, मगर वो क्या था कि वो बहुत अच्छे से पिक करता था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड करता था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। दे डिडेंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, वो अपने टीचर्स को भी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि टीचर्स कहते थे कि तुम लोग तो सिर्फ कहानियाँ बनाते रहते हो। टेलिंग टेल्स मतलब कहानियां बनाना। इट सो हैपन्ड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू अ सी साइड फॉर अ होल डे। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। एक बार क्या हुआ कि क्लास का पिकनिक का डिसाइड हुआ कि वो समुद्र के किनारे हैं, सबके सब लोग पिकनिक पर जाएंगे पूरे दिन के लिए, और सारे के सारे बच्चे इस बात से बहुत खुश थे। और ऑन दैट डे द सन शोर ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड एंड वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। उस दिन बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा था, बहुत ही अच्छा दिन था और सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड खुश थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। सारे बच्चे ट्रेन में बैठ गए मगर कोई भी हरी के साथ नहीं बैठना चाहता था क्योंकि हरी सबको हमेशा पिंच करता रहता था। वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रेन विद अ शाउट ऑफ जॉय, और जैसे ही वो समुद्र के किनारे सी साइड पर पहुँचे सारे के सारे बच्चे ट्रेन में से कूद गए बहुत ही खुशी के साथ। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड, बट नो बडी टोक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। सारे के सारे बच्चे हाथ पकड़ कर खेल रहे थे मगर किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कोई भी उसके पास भी गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को गुस्सा आ रहा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, तो फिर को उसको गुस्सा आ रहा था तो फिर वो समुद्र के किनारे चला गया, एक किनारे पे जाके बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, उसने अपना लंच निकाला, खाना निकाला और उसको देखने लगा। वो काफ़ी अच्छा लंच था, वो लाया था हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविच, 3 पीस लाया था वो ब्रेड और बटर के, जिंजर केक था और एक बार ऑफ चॉकलेट था जिसमें चॉकलेट थी, और वो सारा का सारा खुद ही खाना चाहता था और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। और जैसे ही वो उसने अपने एग्स को खाना स्टार्ट किया, उसको एक आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलने के बाद एक आवाज़ आती है, वो कहती है उस बॉय को गुड मॉर्निंग और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट, वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, हरी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और इधर उधर देखने लगा और उसको थोड़ा सा डर भी लग गया था, तो आपको मतलब जो भी इधर उधर उसको दिख सकता है उसको वो देख रहा था। हरी ने देखा एक बहुत ही बड़ा क्रैब, मॉन्स्टर क्रैब, जो उसके साइड के जो पूल था वहाँ पे उसके साइड साइड में घूम रहा था। उसकी हिज आइज़ वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और उसकी आँखें जो थी बिल्कुल किनारे किनारे पर थी उसके फेस के। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द कैबराज क्लॉ, और हरी ने हाथ लगाया कि जो कैबरा होता है उसका जो पंजा होता है क्लॉ होता है उसको हिलाने के लिए उसने अपना हाथ निकाला, मगर उस क्रैब ने क्या किया, हरी का हाथ अपने मुँह के अंदर ले लिया और मतलब जो काफ़ी ज़्यादा एंग्री था और उसको वो चुभोने लगा, मतलब चूटी काटने लगा, और जैसे कि पिंच करता था ना वो बच्चे सबको, ऐसे ही क्रैब उसके साथ करने लगा और वो बहुत ही तेज़ कर रहा था तो बॉय बहुत तेज़ चिल्लाने लगा। आ हेयर इज़ माई गुड कज़न सेड द क्रैब पीजेंटली, एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवी आउट
ऑफ द पूल। और फिर देखा फिर जो क्रैब होता है वो कहता है कि अरे मेरा भाई है ये, बहुत ही खुशी से ये कहता है। और जो हरी होता है वे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और देखता है एक बड़ा सा लॉबस्टर भी आ रहा है पूल की साइड में उसके तरफ। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड। और फिर क्या हुआ, लॉबस्टर ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और खूब तेज से उसको पिंच करने लगा और हरी बहुत तेज चिल्लाया दर्द के कारण। और वो इधर उधर देखने लगा पूल के, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज आश्चर्य में होके वो इधर उधर पूल में देखने लगा। फॉर आउटकम सैंडी कलर श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स मोर क्रैब्स अदर लार्ज लॉबस्टर दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। और फिर और भी बहुत सारे जानवर आ गए और सारे प्रॉन्स श्रिम्प्स लॉबस्टर क्रैब्स जितने भी जो ओशन में रहने वाले काटने वाले थे जानवर वो सारे के सारे आ गए और हरी को बहुत ही ज़्यादा तेज काटने लगे, पिंच करने लगे। फिर वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, सारे के सारे जो भी जानवर थे उन्होंने हरी से पूछा। वाई तो वो कहते हैं क्यों, हमें तो बताया गया था कि तुमको पिंच करना बहुत पसंद है, तुम तो चैम्पियन पिंचर हो, पिंचर और प्रिकर हो, मतलब सबको पिंच करते रहते हो प्रिक करते रहते हो, तो आ जाओ तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हरी लैप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली और हरी बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा हिज लंच। और मतलब जब वो चिल्लाने लगा तो उसका जो लंच था उस मतलब रोल हो गया, छुट गया उसके हाथ से और वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। और जैसे ही ये देखा लॉबस्टर्स क्रैब्स और बाकी सारे जो क्रीचर्स थे वो उस खाने की तरफ भागे फटाफट से। और उनको तो उनका तो भैया बहुत बढ़िया दावत हो गई थी, फीस्ट हो गया था उनका तो। और हरी ने जैसे ही देखा सब लोग चले गए हैं, वो बिल्कुल फटाफट वहाँ से भाग गया रोता रोता। दे ओनली डिड टू मी बट आई कीप ऑन डूइंग टू अदर चिल्ड्रन। फिर उसे समझ में आ जाता है कि उन जो जानवर थे उन्होंने सिर्फ वही किया था जो वो बाकी सारे बच्चों के साथ करता था, सबको परेशान करता था। और फिर उसे समझ में आता है कि सारे के सारे बच्चे क्यों उसे इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि वो सबको पिंच करता रहता है और प्रिक करता रहता है। तो देखते हैं, हो गई तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, अब हम नए वर्ड्स देख लेते हैं। ब्रूस का मतलब इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, मतलब कोई इंजरी होती है बॉडी में बहुत ही तेज़ी से लगने की वजह से, उसको हम ब्रूस कहते हैं। मिजरेबल का मतलब होता है काफ़ी दुखी। स्क्रॉल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। हॉरिड भी होता है काफ़ी डरावना सा। हॉर्स होता है मतलब बहुत ज़्यादा तीखी सी आवाज़। पिंचर होता है एक ग्रिपिंग मतलब ऐसा टूल होता है जिससे आप किसी को पिंच कर सकते हैं, नुकीला सा होता है। और स्टॉक होता है जैसे कि वो होता है ना गेहूं के ऊपर जो होता है येलो येलो सा पार्ट जो होता है उसका, वो होता है स्टॉक। और निप्ट का मतलब होता है पिंच करना, चूटी काटना। अब देखते हैं इसमें हमें सही आंसर टिक करना है। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सारे चिल्ड्रन हरी को क्यों नापसंद करते थे, क्योंकि वो उनको पिंच करता रहता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच डैम, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाले का आंसर सेकेंड वाला। तो सेकेंड क्वेश्चन है नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम, नो बडी प्लेड विद हिम, दिस शोज दैट हरी हैड नो फ्रेंड्स। इसका है आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन राइट डाउन देयर, मतलब इनमें से कौन कौन से एक फ्रेंडली पर्सन एक अच्छा पर्सन बताते हैं, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, येस। ईटिंग अ स्मॉल चिल्ड्रंस टिफिन, नहीं ये तो नहीं है। कॉलिंग लोगों को बुरे बुरे नामों से बुलाना, ये भी नहीं है। पनिश करना दूसरों को, नहीं। बींग हेल्पफुल टू एवरीवन, ये है। और हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, ये भी है। और प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, ये भी है। तो हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।